हेलो गाइस, आप सभी का स्टेडिया क्रिकेटिन स्वागत है। आज आपके लिए NPCIL नई भर्ती निकल चुकी है, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो विद्यार्थी जिन्होंने ITI कर रखी है, 12वीं पास है, डिप्लोमा है, BSc है, BTech है, वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो जल्दी पूरी जानकारी देखेंगे, अप्लाई कैसे करना है, फीस क्या लगेगी, फीस भी यहाँ पर नहीं रखी जाती तो वो भी आपको बताएंगे सारी जानकारी। सिलेबस देखिए, पैटर्न भी देखिए, किस प्रकार का पैटर्न होता है, पेपर का फर्स्ट पेपर होता है, सेकंड पेपर होता है, ये सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कितने क्वेश्चन आते हैं हर पार्ट में, वो भी जानकारी देखने को मिलेगी। तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NPCIL, इसकी फुल फॉर्म होती है। और आप देख लीजिए, आप जा सकते हो इस वेबसाइट में, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, www.npcil.nic.in पर आप जाइए, वहाँ से देख लीजिए। ओपनिंग डेट देखिए, ऑनलाइन फॉर्म हो चुके हैं स्टार्ट, 17/12/2019 10 बजे से स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पर जानकारी, क्लोजिंग डेट कब होगी, क्लोजिंग डेट 6 जनवरी 2020 टिल 16 बजे, आपकी ये 4 बजे यानी कि आपका फॉर्म भरना बंद हो जाएगा बिल्कुल। अब चलिए यहाँ पर जानकारी जान लेते हैं, ड्राइवर की कितनी वैकेंसी है और की कितनी वैकेंसी है। तो ड्राइवर की यहाँ पर देखोगे तो 2 वैकेंसी है, उसी के बाद टेक्निशियन बी की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो। उसी प्रकार यहाँ पर चलेंगे, आप अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट देखते रहिए। उसी के बाद कैटेगरी सेकंड यहाँ पर देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ऑपरेटर, इन सभी के लिए। उसी के बाद साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात कर लेते हैं, तो उसी की भी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग यहाँ पर डिप्लोमा से वैकेंसी आए। उसी के बाद यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी आप वैकेंसी देख लो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो सभी की, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की यहाँ पर वैकेंसी है, हेल्थ, फिजिक्स वगैरह की भी। टोटल कितनी वैकेंसी है, 137 यहाँ पर वैकेंसी है। अलग अलग जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी है वो भी यहाँ पर दिखाई गई है। उसी के बाद बात करते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज क्या होगी इनमें। तो देखिए, एज लिमिट देखिए, ड्राइवर ग्रेड फर्स्ट के लिए 20 से 28 वर्ष की होनी चाहिए। उनकी पे ग्रेड यहाँ पर देखिए लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपये इनकी पे मैट्रिक्स रखी गई है। उसी प्रकार बात करते हैं टेक्नीशियन बी की, तो 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, 21,700 इनकी पेमेंट है, लेवल 3 के हिसाब से इनको पेमेंट मिलेगी। कैटेगरी सेकेंड की बात करें, 18 से 24 होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो मंथली यहाँ पर इनके लिए वगैरह यहाँ पर फीस रखी जाएगी। फर्स्ट ईयर में यहाँ पर 10,500 रुपये, सेकेंड ईयर में 12,500 रुपये, उसके बाद यहाँ पर 21,700 रुपये यहाँ पर इनको पैसे मिलेंगे। उसी के बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट भी की, तो 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, 35,000 रुपये इनकी पेमेंट है। उसी के बाद यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, 18 से 25 इनकी भी पेमेंट शुरू में आप देख लीजिए यहाँ पर सारी 35,400 हो जाएगी लेवल 6 के हिसाब से, तो यहाँ पर ये इनके लिए भी आप देख सकते हो। उसी के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एज रिलेशन वगैरह छूट क्या है, यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लास वगैरह के लिए 3 वर्ष की, यहाँ पर SC ST के लिए 5 वर्ष की, उसी के बाद यहाँ पर PWBD के लिए, UR EWS के लिए 10 वर्ष की, तो अलग अलग यहाँ पर जो छूट देती है वो सबको आपको पता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन देखोगे टेक्नीशियन भी की, 5 in SSC with 1 year ITI, यानी कि 1 ईयर की यदि आपके पास ITI है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 10वीं+1 साल की ITI कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ओके, यहाँ पर कैटेगरी सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैथमेटिक्स 2 ईयर, ITI with English as 1 subject, तो यहाँ पर इंग्लिश के साथ भी होना चाहिए 1 साल का, तो यहाँ पर यह फॉर्म भर सकते हैं। उसी के बाद बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी सेकंड की, तो जिन्होंने आपको 12th पास कर रखी है और जिनके 60 मार्क्स हैं, मतलब 40% मार्क्स हैं साइंस विद मैथमेटिक्स के साथ, ठीक है, तो वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। चलेंगे हम बात करेंगे यहाँ पर, चलिए देखते हैं और भी क्या जानकारी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो कि इंपॉर्टेंट जानकारी है वो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये जानकारी देख ही लिया आपने, ड्राइवर इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन बची वो अपन आपको बता देते हैं, जो यहाँ पर है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की, तो यहाँ पर जिन्होंने डिप्लोमा में सेकंड ईयर चल रहा है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। बीटेक में यहाँ पर जो बीटेक कर रहे हैं उनका यहाँ पर थर्ड ईयर चल रहा है यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो थर्ड ईयर में और यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं बीटेक वाले, और जो डिप्लोमा वाले और सेकंड ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। पर यहाँ पर एक कंडीशन रखी गई है साथ में, जो विद्यार्थी डायरेक्ट डिप्लोमा करके और किस में आए हैं बीटेक में आ रहे हैं, या मतलब ITI करके सेकंड ईयर में आ रहे हैं,
डिप्लोमा वाले में, तो वो फॉर्म नहीं भर सकते, ये बात कन्फर्म रख लीजिए याद। उसके अलावा यहाँ पर बीएससी वाले भी नॉट एलिजिबल है। ओके, तो चलिए यहाँ पर और भी सारी जानकारी सिलेबस वगैरह की तो जान लेते हैं यहाँ पर। अगर आपको भी किसी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रश्न में डाउट है तो 8400400400 के व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को क्लिक कीजिए और क्रॉप करके सेंड कर दीजिए, तुरंत ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन के साथ। और उसके साथ आपको ऐप के माध्यम से भी आप क्लास 6 से 12 तक लेकर आप जे मेंस की तैयारी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए पैटर्न है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर कैटेगरी सेकंड। तो यहाँ पर कैटेगरी सेकंड वगैरह की यहाँ पर प्रोसेस देख सकते हो, और यहाँ पर जो कैटेगरी सेकंड है तो उसके लिए यहाँ पर मिनिमम हाइट रखी गई है 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर वेट रखा गया है 45.5 kg उनका वेट होना चाहिए, ये तो नॉर्मल वेट है, यह सभी का हो सकता है बिल्कुल आराम से। और यहाँ पर लंबाई 160 रखी गई है, बिल्कुल नॉर्मल लंबाई है। यहाँ देखिए रिटर्न एग्जामिनेशन देखिए, स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड, यहाँ पर जो आपका वन ईयर का वन आवर का यहाँ पर प्रीमियरली टेस्ट होता है जिनमें बिल्कुल सिंपल होता है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, यानी कि इसके जहाँ पर जो मेरिट होती है उसमें कोई काउंट नहीं होता, ये ओनली क्वालिफाई टेस्ट होता है। क्या होता है? क्वालिफाई टेस्ट होता है। इसके बाद सेकंड टेस्ट होता है जो मेन टेस्ट होता है, एडवांस टेस्ट, 2 घंटे का होता है और आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं वहाँ पर करने को। तो चलिए आप जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मिलते हैं वो भी देखेंगे स्टेज फर्स्ट में, प्रीमियरली टेस्ट में। देखिए यहाँ पर एग्जामिनेशन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक वन आवर का आपका यहाँ पर होगा। यहाँ देखिए मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस के 20 और जनरल अवेयरेंस के 10 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल शानदार सिंपल क्वेश्चन आते हैं आराम से, चाल दूरी के, इंटरेस्ट के सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो आपके मान लो कोई नाव में इधर से बोट एंड स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार बिल्कुल सिंपल सिंपल और यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार ईजी बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। साइंस की बात करते हैं तो साइंस में फॉर्मूले वगैरह पूछते हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है, मैं आपको इसका पेपर भी बता दूंगा तो आप टेंशन ना लो बिल्कुल। जनरल अवेयरेंस यहाँ पर 10 क्वेश्चन आते हैं इनके, ओके सिंपल आते हैं बिल्कुल, उससे संबंधित कोई यहाँ पर कोई मतलब वाटर वगैरह से संबंधित कोई भी नया क्वेश्चन बनाया तो उससे संबंधित आ जाते हैं। और यहाँ पर पास होने के लिए आपको SC ST OBC और NCERT PWD इनके लिए 30% चाहिए, और जनरल वालों के लिए और UWS के लिए 40% मार्क्स चाहिए, उसी में आप क्या हो जाते हो, क्वालिफिकेशन हो जाते हो, मतलब क्वालिफाई हो जाते हो, आप सेकंड टेस्ट के लिए क्लियर हो, यहाँ पर ये हो जाता है। उसके बाद चलिए एडवांस टेस्ट की, एडवांस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन फर्स्ट, मतलब जो छांटे गए हैं फर्स्ट स्टेट में उनके लिए द टेस्ट विल बी 2 आवर्स, तो टेस्ट होगा जो 2 आवर्स का होगा। द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं सेकंड में। द टेस्ट विल बी कंपेयर, 50 क्वेश्चन होंगे अलग अलग, यहाँ पर जनरल के लिए वही 30% मार्क्स यहाँ पर पास होने के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर 20% मार्क्स रखे गए हैं। तो आगे जानकारी और देखिए स्किल टेस्ट, यहाँ पर 3 में क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा आपका जो कि अलग अलग आपका जो क्वेश्चन वगैरह मतलब इंटरव्यू, आप समझ लीजिए इंटरव्यू होता है यहाँ पर। इंटरव्यू में कुछ नहीं, प्रैक्टिकल वगैरह करवाए जाते हैं, जैसे कि आप 12th में कोई भी प्रैक्टिकल था ओम का इनका तो वो करवाए जाएंगे, ITI में आपके कौन सा प्रैक्टिकल था वो करवाया जाएगा, BTEC में कोई प्रैक्टिकल था तो वो करवाया जाएगा, डिप्लोमा में कोई प्रैक्टिकल था सिविल में है तो मैकेनिकल में, अलग अलग जो डिप्लोमा में जो प्रैक्टिकल होते हैं वो करवाए जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर चलिए आगे जानकारी देख लेते हैं, आगे आपको जानकारी यहाँ पर फिजिकल वगैरह की यहाँ पर सारी मिल जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की यहाँ पर सारी जानकारी आपको दे रखी है। हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई आप कर सकते हो 17 तारीख से और 6 जनवरी तक आप कर सकते हो अप्लाई, जिन विद्यार्थियों ने अप्लाई नहीं किया है वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, और यहाँ पर सारा जानकारी आपको दे रखी है। तो आप दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ये था इंग्लिश में, अब यहाँ पर हिंदी में भी जो पूरा दे रखा है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है वो आप सारे विद्यार्थी यहाँ से पढ़ सकते हैं, जिन विद्यार्थियों को यहाँ से पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ सकते हो बिल्कुल ईजी, वही जो मैंने इंग्लिश में बताया था वही सेम टू सेम यहाँ पर है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों के साथ साझा करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके कि यहाँ पर क्या क्या है, क्वालिफिकेशन के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारी जानकारी आपको पता चल जाएगी। और डिप्लोमा जो ITI वाले उनके लिए कुछ खबरी की बात तो मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट ईयर में है ITI में वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर जिन्होंने पास कर लिए वो ITI में इसमें फॉर्म डाल सकता है, डिप्लोमा में सेकेंड ईयर चल रहा है पास कर ली वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, BTEC में 3rd ईयर पास कर ली जिन्होंने वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ये यहाँ पर बड़ी खुशखबरी के बाहर है, और 12वीं वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं यहाँ पर।
तो मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, इसमें फॉर्म कैसे भरना है, और जल्दी से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए क्योंकि समय बहुत ही कम है। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली अपडेट के साथ। कोई भी जानकारी आती है आपकी परीक्षा तिथियों से संबंधित या कोई भी अन्य जानकारी आती है, किसी भी इंडिया के अंदर कोई भी वैकेंसी निकलती है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को देखा करो, यहाँ पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इसलिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक भी कर दो। धन्यवाद।